भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, मुझे लगता है कि जनता चाहे जो नतीजे दे, यह बात स्पष्ट है कि यह ईवीएम भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। मुझे लगता है कि जो लोग एग्जिट पोल देखकर जश्न मना रहे थे, वह एग्जिट पोल देखकर ईवीएम को दोष नहीं देंगे। हरियाणा में 2 बार हमारी सरकार बन चुकी है और तीसरी बार बनने जा रही है। दोनों ही जगह भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। यह दर्शाता है कि भाजपा के कार्यों पर किस तरह लोगों ने विश्वास जताया है। देखिए, मुझे लगता है कि आज चाहे जो भी नतीजे जनता देगी, एक बात स्पष्ट है कि ईवीएम इलेक्शन कमीशन और भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग एग्जिट पोल्स देखकर जश्न मना रहे थे, एग्जैक्ट पोल्स देखने के बाद वो ईवीएम पर सवाल उठाना प्रारंभ नहीं करेंगे। 2008 में, 2009 में हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं थी। अब 2024 आते आते हरियाणा में 2 बार हमारी सरकार बन चुकी है, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर में जहां पर 2008 में हम कहीं नहीं थे, आज हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करने वाले हैं। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों का भीतर लोगों ने विश्वास जताने का काम किया है। परंतु अंततः ये लोकतंत्र की जीत है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आज पत्थरबाजों की नहीं वोटबाजी की बात हुई, जिस प्रकार से वहां पर पाकिस्तान परस्ती और जो बाकी नैरेटिव्स चलते थे वहां पर वो परास्त हुए और लोकतंत्र के नैरेटिव को मजबूती मिली, ये बहुत बड़ी जीत है अपने आप में।